कि आप कानपुर से आए हैं, आपका नाम क्या है? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, तो बराबर आप दिलदार नगर की इस मंडी में आते हैं भैंस खरीदने के लिए, तो आप जो भैंस खरीदने हैं वो दिखाइए ताकि लोगों को मालूम चले। क्योंकि एक बार और मंडी में आप मिले थे तो उस समय भी आप भैंस खरीदे थे ना? उसमें आते हैं ना, 10 दिन में 15 दिन में। अच्छा, जैसे भी जाती है। अच्छा, जिसमें हम आपसे ये भी पूछे थे कि ये मंडी कैसी है। मंडी ठीक है, इसलिए तो आते हैं। अच्छा, अब इस समय टाइट लग रही है। अच्छा, नहीं पा रहा है। अच्छा, इस समय टाइट लग रही है ना, ये सब चारों। तो ज्ञान सिंह जी आए हैं कानपुर से, वो भी भैंसों की खरीदारी करने दिलदार नगर के इस भैंस मंडी में। और आज दिन है मंगलवार ना, मंगलवार का दिन है और यह मंडी जो है इतवार के दिन लगता है, तो यही भैंस खरीदे हैं ना? यही। कितनी? यही है चार। अच्छा, एक ये भैंस खरीदे हैं। अच्छा, मतलब एक ये भैंस है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब चारों भैंस खरीदे हैं। किराया भी लग रहा है आपका यहाँ पे? सारी बात हो गई है। अच्छा, नहीं है, विधायक से बात हुई है अभी, तो यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम पड़ रही है। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम ऐसी आ गई ना कि बाजार के दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अच्छा, सारी गाड़ियाँ इधर उधर चली जाती हैं। अच्छा, हमारे जानवर कम बन पाए इस बार। अच्छा, तो इस वजह से थोड़ा गाड़ी की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये बात है ना। हाँ, तो भैया चार भैंस खरीदने हैं। भैया इसका बच्चा कौन सा है? अच्छा, ये वाला। इसका दूध कितना बताया गया आपको? अच्छा, 7 किलो एक टाइम में? नहीं, दोनों टाइम में। अच्छा, दोनों टाइम में। अच्छा, लगभग एक आईडिया, लगभग एक आइडिया दीजिए कि इसकी कीमत, मतलब कितनी कीमत में लिए हैं? 75,000 की। मतलब ये भैंस 75,000 के लिए हैं आप? 65,000 के लिए। अच्छा, ये 65,000 में लिए हैं? 62 की है, वो 55 की है। अच्छा, ये 62,000 की है भैंस। अच्छा, इसका दूध कितना बताया गया है आपको? 10 किलो। अच्छा, 10 किलो बताए। अच्छा, देखिए भाई, भैंस ले रखे हैं इसी मंडी से, और इतवार वाले दिन ये मंडी लगता है। इतवार के दिन न लेकर ये मंगलवार के दिन लिए हैं ये भैंसे, चार भैंसे खरीदे हैं ये बेचारे। और प्रॉब्लम इनको ये पड़ रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पे आसानी से हो जाता है, लेकिन सारी की सारी जो गाड़ियाँ हैं वो बुक होके चली गई हैं। दिक्कत ये आ रही है बस। देखते हैं, भाई का शायद आज बात बन जाएगा। अभी उधर बात चल रही है कि कहीं गाड़ी बुक करना है। वापसी का उधर से मंडी से मिल जाएगा ना आपको? कुछ नहीं ना मिल पाएगा, वो लिंक तो है नहीं, गाड़ी नहीं मिल रही है इनको ना। बताते हैं आपको, इन्होंने लोग ला देते हो। हाँ, आप ये बताइए कि यहाँ से जैसे कि आप चार भैंस पहली बार तो नहीं ले जा रहे हैं? पहली बार नहीं, कई बार ले गए होंगे। कितनी कितनी भैंसे ले गए हैं? हम जो है 8-8, 9-9 ले जाते हैं, कभी 8 ले जाते हैं। 8 भैंस 9 भैंस ले जाते हैं कानपुर में, तो उन लोगों का खर्चा कितना आ जाता है यहाँ से? मानिए 3200-3300 रुपये प्रति जानवर लग जाता है। अच्छा, 3200-3300 रुपये। और अभी जो बुक कर रहे हैं गाड़ी चार भैंसों के लिए, जो है लमसम 4500 के आसपास पड़ा। अच्छा, महंगा पड़ रहा है आपको ना, दिक्कत ये फंस रही है। तो जानते हैं दिक्कत फंसने का कारण क्या है, क्योंकि सारी की सारी गाड़ियाँ बुक हो के चली गई हैं। वो हम लोग हो गए लेट, तो हाँ, इस बार जो है और गाड़ियाँ हैं नहीं, इसलिए दिक्कत फंस रही है ना। चलिए, देखिए ये सब भाई बेचारे फंस गए हैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से। गाड़ियाँ बुक नहीं हो रही है, हो भी रही है तो बहुत महंगी बुक हो रही है। अब देखते हैं इन लोग का क्या होता है आगे, होगा क्या, नरम गरम वैसे ही बुक करके ले ही जाएंगे।